आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया। आज से 3-4 साल पहले लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा, जनता ने सुना, टीवी में देखा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ईडी के छापे पड़े, उसके घर सीबीआई के छापे पड़े। खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ईडी के और सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 MLइन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 MLA उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए उसके घर रेड में, उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला। अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर 3-3 बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतेंद्र जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, 3-3 बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला, आज तक उसको बेल नहीं मिली। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने सौ, मैं जब हमें और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से, पता नहीं। कह रहे हैं वो शराब बंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10-15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी। 10-15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वो उनके अपने जब शराब घोटाला करते हैं, उनके अपने जब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे भ्रष्टाचार के, इसके उसके, सरकार ने उसकी हिम्मत नहीं सरकार की है कि इंक्वायरी तक नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमिटी बिठाई है तो गड़बड़ तो है, सुप्रीम कोर्ट यूं ही तो कमिटी बिठा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमिटी बिठाई है, प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी नहीं भेजी अडानी के घर में। तो मैसेज सारा साफ है पूरे देश को कि मेरे वाले जब जब घोटाला करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रहकर भ्रष्टाचार करो, इसको भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं कहते। अभी मैं कर्नाटक में गया, कर्नाटक में
वहां पे बीजेपी की सरकार है, उसको 40% कमीशन की सरकार कहते हैं। क्यों? हर ठेके में बताते हैं 40% लिए जाते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि वहां के सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए। ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अब हमसे काम नहीं होता जी, 40% कमीशन देने के बाद कुछ नहीं बचता, आप कुछ करो। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ नहीं करा, जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसको उठा के जेल में डाल दिया। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जी सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। अच्छा नहीं लगता जब कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में अगर हमारा अपना भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो बख्शते नहीं है हम उसको। जब मेरी दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में हमारा खाद्य मंत्री गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया, अभी मीडिया को भी नहीं पता था, पुलिस किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, मैंने अपने खाद्य मंत्री का मामला सीबीआई को सौंप दिया खुद ब खुद और उसको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले इनका सेहत मंत्री, उसके खिलाफ इनको पता चला, उन्होंने अपने आप से सेहत मंत्री को हटा के पुलिस को सौंप दिया। अभी थोड़े दिन पहले एक एमएलए पंजाब के अंदर गड़बड़ करता हुआ पाया गया, अपना खुद का एमएलए इन्होंने पकड़ के उसको पुलिस को सौंप दिया। मोदी जी अगर ईमानदारी सीखनी है तो आप आम आदमी पार्टी से ईमानदारी सीखिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती।